सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। बिफोर लॉ जो संविधान में फंडामेंटल राइट है इसका वायोलेशन करने वाला है, और कि सरकार को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर ये रूल मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इससे सिद्ध होता है ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मामला हमने सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, दूसरा रूल, दूसरे रूल में चुनाव आयोग का रूल कहता है, रूल क्या है, कहता है कि यदि रिकाउंटिंग होती है तो जिस बूथ में विवाद है केवल उसी बूथ में रिकाउंटिंग होगी। जब बैलेट पेपर होता था तो सारे चुनाव क्षेत्र में रिकाउंटिंग होती थी, मगर यहां पर केवल एक बूथ में रिकाउंटिंग होगी। दूसरी जगह क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिन्होंने रूल बनाया उनको मालूम है दूसरे बूथ में घोटाला है, वो घोटाला पकड़ में आ जाएगा, इसलिए केवल डिस्प्यूटेड जो बूथ है केवल उतनी ही गिनती होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा बनाया रूल, तीसरा रूल बनाया कि यदि वो जो दूसरे रूल के अनुसार बूथ की गिनती होगी वो कब होगी, जब हारने वाला कैंडिडेट अगर गिनती की वजह से जीत सकता है तो ही गिनती होगी, अन्यथा गिनती ही नहीं होगी। ये तीन रूल उन्होंने बनाए, ये रूल ये सिद्ध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिनती होगी और चुनाव आयोग ने रूल बनाया ना गिनती करने का। चुनाव आयोग ने आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गिनती करने का, और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने रूल बनाए गिनती ना करने का। क्लियरली सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में रूल बनाए। सवाल है क्यों बनाए? भारत सरकार ने, लॉ मिनिस्टर ने और चुनाव आयोग ने ये मिलकर ऐसे रूल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, तो भारत सरकार चुनाव आयोग और लॉ मिनिस्टर को गिनती करनी चाहिए, गिनती करने के रूल बनाने चाहिए, तो उन्होंने ना करने के रूल बनाए। क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि जैसे ही गिनती होगी ईवीएम के अंदर का घोटाला पकड़ में आएगा, क्योंकि गिनती किसकी होगी, ईवीएम के रिकॉर्ड की गिनती नहीं होगी, पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बाहर निकलता है, जो कागज निकलकर बैलेट के टुकड़े गिरते हैं उसकी गिनती होगी। ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये ऑर्डर इस बात का सबूत है कि भारत सरकार को पता है ईवीएम में घोटाला होता है, भारत सरकार को पता है ईवीएम में घोटाला होता है, भारत सरकार को ये भी पता है पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ती है, भारत सरकार को ये भी पता है कि यदि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाती है तो घोटाला पकड़ में नहीं आता है, घोटाला तब पकड़ में आता है जब रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग के बाद कागज के टुकड़ों की गिनती होती है, इसलिए ईवीएम के अंदर जो घोटाला होता है वो कागज के टुकड़ों में पकड़ा जाता है। भारत सरकार इस बात को जानती है, इलेक्शन कमीशन इस बात को जानता है, लॉ मिनिस्टर इस बात को जानता है, जानता है, इसीलिए घोटाले को पकड़ना रोकने के लिए, घोटाला पकड़ में ना आए इस बात को रोकने के लिए ये ना रिकाउंटिंग करने के रूल बनाए गए, रिकाउंटिंग ना करने के रूल बनाए गए, इसलिए बनाए गए।
इसलिए साथियों, ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है, हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आधा जजमेंट दिया, आधा जजमेंट नहीं दिया तो मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, मेरी केस अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो आधा जजमेंट दिया आधा बका हुआ है, यदि वो रूल स्क्रैप किए जाते हैं और कागज के टुकड़ों की गिनती करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है और रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है तो 2019 के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, 200% गारंटी से कह सकता हूं। और दूसरे लोग चुनाव जीत जाएंगे और बीजेपी चुनाव हार जाए, यदि ये रूल स्क्रैप नहीं होते हैं तो 200% गारंटी से कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव बीजेपी चुनाव जीत सकती है, ये बात कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास इसके दस्तावेजी सबूत है और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान ने भारत के नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार दिया, अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, अपने एमएलए एमपी चुनने का अधिकार दिया, उस अधिकार से ईवीएम मशीन ने वंचित कर दिया, वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। ये षड्यंत्र बहुत भयंकर है। ये सारे देश के सारे नागरिकों के लिए खतरनाक है, सभी लोगों के लिए खतरनाक है। मगर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने लोग देश में वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों के लिए यह बात बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वंचितों के लिए, शोषितों के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र से बेहतर कोई दूसरी व्यवस्था अभी दुनिया में नहीं है। इसलिए लोकतंत्र तभी कामयाब हो सकता है जब फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट डालने का अधिकार हो, चुनाव करने का अधिकार हो और चुनाव होने का अधिकार हो, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ये षड्यंत्र इस देश में चल रहा है और इसने लोकतंत्र की हत्या की है। सबूत के आधार पर यह सारी की सारी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। इसलिए मैं ये भी कह रहा हूं, मैं चुनाव देके कहता हूं, चुनौती देकर कहता हूं, 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। मैं ये चुनौती देकर कहता हूं, यदि ये बात गलत है तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस दायर करे, अगर वो ईमानदारी से चुनाव जीता है। अगर नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से चुनाव जीता तो मेरे खिलाफ में कोर्ट में केस दाखिल करे। अभी तो वो प्रधानमंत्री है, मैं तो सड़क पर घूम रहा हूं, तो सरकार को मुझे मेरे बारे में डरना नहीं चाहिए। मगर मेरे पास सबूत है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, घोटाले के एविडेंस है। इसलिए साथियों, इसके विरोध में हम लोगों को लड़ना होगा, हमारे लिए लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ने के लिए अभी मेरी केस पेंडिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि होता क्या है, ऐसा हमें बताया जाता है कि अदालतें सबूत की मोहताज है, हमने सबूत दे दिया, अदालतें सबूत की मोहताज है, हमने सबूत दे दिया, अब अदालतों को अपना निर्णय करना है। अगर अदालतों ने इन नियमों को स्क्रैप कर दिया तो लोकतंत्र बचेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2019 के चुनाव में हम ईवीएम मशीन अगर चाहती ऐसी चलती रही और चलने दिया गया तो मैं इसके पहले भी घोषित किया, सारे देश भर में ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे ये सोचकर तोड़ेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग जेल में जाने के लिए तैयार है। हाथ खड़े करो।